एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल वी स्कूल फॉर इंग्लिश स्टडीज। मैं गुरजोत कौर और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही हेल्पफुल वीडियो लेकर आई हूँ जिससे आपकी स्पीकिंग बहुत ही ज्यादा स्मूथ हो जाएगी और आपका अच्छा बैंड स्कोर रहेगा। तो बिना कोई देरी किए चलते हैं वीडियो की ओर। अक्सर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है कि हमारे आइडियाज इनहेंस नहीं हो पाते, दो मिनट बोला नहीं जाता, कंटेंट नहीं है हमारे पास। तो जी हाँ, आज मैं आपकी उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने आई हूँ। तो पहली बात ये कि क्यू कार्ड्स है ना, सिर्फ कुछ 9-10 ऐसे टॉपिक्स पर बने होते हैं, उन्हीं को मोल्ड कर के आगे मॉडिफाई करके आपको दोबारा से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बट टॉपिक होता है जो उसकी सेंस होती है वो बिल्कुल सेम होती है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे 9 टॉपिक्स कराऊंगी। एग्जाम फिल किया हुआ है या अभी आपने एग्जाम फिल नहीं किया, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अभी आपके लिए ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। ये जो 9 टॉपिक्स मैं आपको करवाऊंगी, इनको आप अच्छे तरीके से माइंड में बिठा लें तो आपकी स्पीकिंग बहुत स्मूथ जाएगी और बैंड स्कोर बहुत ज्यादा अच्छा आएगा। तो शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक पॉइंट से, जो है हमारा फेवरेट्स। तो फेवरेट्स में आपको क्या करना है, कोई भी ऐसी चीज जो आपकी फेवरेट हो, कुछ भी हो, कोई आपका फेवरेट पर्सन हो सकता है, प्लेस हो सकती है, आपकी ड्रेस हो सकती है, कोई ऐसा फेवरेट गिफ्ट आपको मिला हो, ऐसी कुछ चीजों को आपने दिमाग में रख लेना है ताकि अगर आपको मोल्ड करके भी क्वेश्चन आ जाए, क्यू कार्ड आ जाए, तो आप बिल्कुल भी नर्वस ना हो, कंफ्यूज ना हो, अच्छे से रिप्लाई दे सके। तो फेवरेट्स में क्या क्या हो सकता है, प्लेसेस हो सकती है, ड्रेस हो सकती है, रूम हो सकता है, आपके घर का आपका फेवरेट रूम कौन सा है, कोई फेवरेट पर्सन हो सकता है। हु इज योर फेवरेट पर्सन इन स्कूल, ऐसी कुछ चीजें वो पूछ लेते हैं क्यू कार्ड में। सेकंड हमारा टॉपिक है टाइम बेस्ड। कुछ टाइम बेस्ड इवेंट्स होते हैं जो हमसे पूछे जाते हैं क्यू कार्ड में, उनको मॉडिफाई कर लिया जाता है। जैसे पूछ लेंगे डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू वर बिजी, डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू वर स्टक इन द ट्रैफिक जैम, डिस्क्राइब अ टॉय इन योर चाइल्डहुड। इन योर चाइल्डहुड वो टाइम बेस्ड है, टाइम के ऊपर बेस है, क्योंकि चाइल्डहुड हमारा पहले वाली लाइफ हो गई, तो वो टाइम बेस्ड चीजें होती है। टाइम बेस्ड ऐसी चीजों को माइंड में रखें ताकि रिमाइंड करते हुए क्यू कार्ड में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट इज पर्सन, कोई भी पर्सन हो सकता है। वो बोलेंगे कि अपने फ्रेंड को डिस्क्राइब करो, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, हु इज योर मदर, मदर की पूरी डेफिनेशन। कुछ नेबर भी हो सकता है आपका, या ऐसा पर्सन कोई जिसको आप एडमायर करते हैं, या फिर कोई ऐसा पर्सन जो आपको मोटिवेट करता है। तो ऐसी चीजों को अपने दिमाग में रख लें। नेक्स्ट आ गया आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो आपके क्लोज टू हर्ट है, हर्ट के बहुत ज्यादा नजदीक है, कोई ऐसी चीज जो आपको गिफ्ट मिली हुई हो, वो बहुत ज्यादा क्लोज होती है हमारे। नेक्स्ट इज क्लोथ। ऑब्जेक्ट में सब चीजें आ जाती हैं, क्लोथ्स हैं, कोई शोकेस का सामान है, या कोई यूजेबल चीज आपको गिफ्ट मिली हो, कोई आपका हैंडबैग, कोई वॉलेट। डिस्क्राइब एन ऑब्जेक्ट यू वॉन्ट टू परचेज, उसके ऊपर क्यू कार्ड आ सकता है, तो उसको चीजों को दिमाग में आपको बिठा लेना है। नेक्स्ट इज ओकेशंस। ओकेशंस में बहुत ज्यादा चीजें मैटर करती है, इवेंट्स। आजकल इवेंट्स वाले बहुत ज्यादा क्यू कार्ड आ रहे हैं। इवेंट को आपने ऑर्गेनाइज किया, डिस्क्राइब टाइम व्हेन यू ऑर्गेनाइज्ड एनी इवेंट, जब आपने इवेंट को ऑर्गेनाइज किया, कोई भी आपकी मैरिज हो सकती है, कोई बर्थडे पार्टी हो सकती है, किसी की मैरिज बताओ जिसपे आपने बहुत ज्यादा इंजॉय किया, बहुत डांस किया, ऐसा क्यों कार्ड आ सकता है। तो ऐसे टॉपिक्स हैं माइंड में रख लेने हैं, फेवरेट चीज है जो आपकी, कुछ टाइम बेस्ड, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, कोई स्किल आपने सीखी हो तो उस पे बेस्ड कोई भी चीजें हैं वो अपने दिमाग में रख लें, ताकि क्यू कार्ड जब हमें ऑन द स्पॉट पूछा जाता है तो आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो, कोई नर्वसनेस ना हो। तो सिक्स्थ आ गया हमारा प्लेस। कोई भी ऐसी प्लेस जो आपने विजिट की हो, कोई भी ऐसी प्लेस जो आपकी फेवरेट हो, जहां पे जाना आपको अच्छा लगता है, या फिर एक क्यू कार्ड आता है डिस्क्राइब अ क्वाइट प्लेस यू लाइक टू विजिट ऑफनली, कोई ऐसी क्वाइट प्लेस जहां पे अक्सर जाना आपको अच्छा लगता है, तो ऐसी चीजों को दिमाग में बिठा लें ताकि आप कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी। नेक्स्ट इज वर्क। आपके वर्क रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे हमारे इंट्रो में पूछते हैं डू यू वर्क और स्टडी, अगर आपने बोल दिया वर्क, तो आप वो उसी आंसर को मोल्ड करके आपको पूछ लेंगे कि हाँ जी क्यू कार्ड बताओ, अब आपकी वर्क प्लेस पे क्या क्या चीजें आपको अच्छी लगती हैं, कुछ भी वो मोल्ड कर सकते हैं। ये उम्मीद बिल्कुल भी मत रख के जाना कि आपको पीडीएफ में से ही क्यू कार्ड पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आ गया, अगर आप वर्क करते हैं तो आप कोई भी कोलीग के बारे में बताएं, कोलीग यू लाइक द मोस्ट, अ कोलीग यू एडमायर, या ऐसा कोलीग जो आपको मोटिवेट करता है, आपके बॉस के बारे में कुछ क्यू कार्ड आ सकता है। नेक्स्ट इज स्टडी। तो स्टडी के रिलेटेड काफी सारे क्यू कार्ड बन जाते हैं, जैसे एक क्यू कार्ड आता है डिस्क्राइब अ ड्रीम दैट यू हैव नॉट अचीव्ड, कोई भी ऐसा ड्रीम जो अब तक आपने बिल्कुल अचीव नहीं किया है, तो उसमें हम बोल सकते हैं कि जी हाँ मैं डॉक्टर बनना चाहती थी बट फाइनेंशियल क्राइसिस थे फैमिली में इसलिए मैं नहीं बन पाई, कुछ ऐसा
उसके बाद कुछ फ्यूचर प्लान्स वो पूछ सकते हैं, फ्यूचर में आगे क्या करना चाहते हैं आप, कुछ ऐसी चीजें आप अपने माइंड में रखकर चलें। फ्यूचर प्लान्स हम सबको हमारे पता होते हैं, बट अगर आपके माइंड में पहले से ही वो चीज स्टक होगी कि शायद मुझे वो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो वो बहुत ज्यादा उभर कर आएगा, सोच की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत सारे इडियम्स कनेक्टर्स आप लगा सकेंगे ऑन द स्पॉट। नेक्स्ट इज इमोशंस। इमोशंस पे बहुत कुछ डिपेंड होता है, वो पूछ सकते हैं अ टाइम व्हेन यू वर फीलिंग सैड, अ टाइम व्हेन यू वर फीलिंग हैप्पी, अ टाइम व्हेन यू वर फीलिंग नर्वस। तो ऐसी कुछ चीज़ों को अपने दिमाग में रखें। हमारी लाइफ में बहुत सारे इमोशंस होते हैं, नर्वसनेस, एंग्जाइटी, सैडनेस, हैप्पीनेस, कुछ बहुत ज़्यादा हम हंस रहे हैं, लाफ कर रहे हैं, कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं, तो उनको दिमाग में रख लें। तो जी हाँ, ये ऐसे 9 टॉपिक्स हैं, अगर आप इनको दिमाग में रख लेंगे तो आपका क्यू कार्ड कभी गलत नहीं हो सकता, कभी ऑफ टॉपिक नहीं जा सकता, और कंफ्यूज तो आप बिल्कुल नहीं होंगे, बहुत अच्छा आपका बैंड स्कोर आएगा। जी हाँ, आप इन 9 टॉपिक्स को अच्छे से दिमाग में रख लें, अगर आपका एग्जाम नजदीक है तो भी, और अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो भी आपके लिए ये बहुत ज्यादा यूजफुल है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक कॉमेंट शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आगे आगे आपके लिए और भी वीडियोज लेकर आती रहूंगी, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।